शिमला जिले के खोटकाई महासू स्कूल की 10वीं की छात्रा 4 जुलाई 2017 को स्कूल से आने के बाद अचानक लापता हो गई थी। 2 दिन बाद 6 जुलाई को उसकी लाश शबदांडी के जंगल में नग्न अवस्था में मिली थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या की बात सामने आई थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के बहुचर्चित कोटखाई गैंग रेप और मर्डर केस में आरोपी नीलू चरानी को दोषी करार दे दिया गया है। शिमला की जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हालांकि अभी कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया है। 11 मई को सजा पर बहस के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 14 अहम दलीलों में 12 दलीलें दोषी के खिलाफ गयी है। पूरे मामले में वर्चुअली सुनाई हुई। आरोपी नीलू कंडा जेल से ऑनलाइन ही कोर्ट रूम से जुड़े थे। दोषी करार होने के बाद नीलू ने जज से कहा, सर मैंने रेप नहीं किया है। हालांकि जज ने नीलू की दलील नहीं सुनी और कहा कि आपने रेप और मर्डर किया है। शुरुआत में शिमला पुलिस ने इसकी जांच की थी, गैंग रेप की धाराओं में मामला दर्ज किया था और 5 आरोपी भी गिरफ्तार किए थे। SIT जांच से जनता संतुष्ट नहीं थी और सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की थी। ये 5 आरोपी बाद में बेल पर छोड़ दिए गए थे और CBI की ओर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 18 जुलाई 2017 को कोटखाई थाने में एक आरोपी को संदिग्ध मौत के बाद जनाक्रोश भड़का और कई स्थानों पर उग्र प्रदर्शन हुए। केंद्र की ओर से CBI जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। इसी बीच प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ते देख सरकार CBI जांच को लेकर हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने CBI को जांच करने के आदेश जारी किए थे। CBI ने इस मामले में 13 अप्रैल 2018 को एक नीलू नामक एक चिरानी को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ जुलाई 2018 में कोर्ट में चालान पेश किया था। अब नीलू को दोषी करार दिया गया है। आज अभी 3 बजे जो है इसमें CBI जो अनिल के नाम से ये केस लगता है उसमें आज फैसले के लिए रखा था। ये गुड़िया मर्डर केस है, रेप केस है, तो अभी 3 बजे इसमें फैसला आया है। तो कोर्ट ने इसमें जो है 4 धाराओं में जो है चार्ज लगा था अक्यूज के खिलाफ, तो 4 धाराओं में इन्होंने जो है चारों की चारों धाराओं में सजा की है। जो ये IPC की जो धाराएं थी वो 376(2)(1) और 376(a), 302 IPC और सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट लगी थी। तो इन चारों धाराओं में उसको जो है दोषी ठहराया गया है और दोषी ठहराने के बाद अब इसको जो है क्वांटम के लिए जो कितनी सजा करनी है क्या करना है उसके लिए ये जो है 11 मई 2021 को रखा गया है। इसके अलावा कोर्ट ने जो है आज हमें जब जजमेंट प्रनाउंस की तो हमें ये बताया है कोर्ट ने कि 14 पॉइंट्स कोर्ट ने इसमें बनाए थे अपनी जजमेंट को देने के लिए। 14 पॉइंट्स में से जो है 2 पॉइंट जो है अक्यूज के फेवर में है और जो है 12 पॉइंट्स इसमें जो है CBI के या प्रोसिक्यूशन के फेवर में बताए गए हैं। जो पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स इस तरह के थे, मान लीजिए जैसे अक्यूज की प्रेजेंस का एक पॉइंट था कि अक्यूज वहाँ पे प्रेजेंट था उस दिन हादसे के दिन या हादसे के दूसरे दिन, तो वो एक पॉइंट जो है वो जो है पहला पॉइंट जो है प्रोसिक्यूशन के फेवर में है कि यहाँ उसकी प्रेजेंस वहाँ स्कूल या स्कूल के आसपास जो है जहाँ जो है वो डेड बॉडी मिली है उसके आसपास जो है पाया गया है उसकी प्रेजेंस। दूसरी जो है उसके बाद पोस्टमार्टम लड़की का हुआ था उसमें भी ये बताते हैं कि पोस्टमार्टम में भी जो है मुलजिम के खिलाफ है। तीसरी जो है एक सॉयल रिपोर्ट आई थी कि सॉयल में ये होता था, हम डिस्प्यूट कर रहे थे कि डेड बॉडी यहाँ से उठाई गई है या और जगह से उठा के रखी गई है, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं ये सॉयल रिपोर्ट से भी ये लगता है कि यहीं डेड बॉडी थी और यहीं पे रखी गई थी पहले से ही, तो सॉइल वाली रिपोर्ट भी मुलजिम के खिलाफ है। फिर DNA रिपोर्ट, जो DNA रिपोर्ट इन्होंने दी है कि वो भी मुलजिम के खिलाफ है। एक जो है डेंटल एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी, बाइक मार्क्स की रिपोर्ट, जो बाइक मार्क्स ये बोलते थे CBI वाले कि ये बॉडी पे है, तो वो भी ये बोलते हैं कोर्ट की नहीं ये भी बाइक मार्क्स भी जो है मुलजिम के साबित हो रहे हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स है, ये जो 5-7 पॉइंट्स है जो मेन थे, ये जो है मुलजिम के खिलाफ जाते हैं, इसी बेस पे इन्होंने इसको से सजा की है। दूसरे 2 पॉइंट्स जो एक और थी कि क्रिमिनल हिस्ट्री या कीपिंग इन व्यू द क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द अक्यूज्ड, ये माना जाना चाहिए कि इसने ये किया, तो क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बोला कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री का ऐसा कोई नहीं साबित हो रहा कि ये क्रिमिनल हिस्ट्री है और इसके बेस पे इसको सजा होनी चाहिए। दूसरा एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी थी, उसने साइकोलॉजिकल रिपोर्ट पेश की थी, तो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी इन्होंने ऐसे नहीं मानी कि कोई साइकोलॉजिकल रिपोर्ट से ऐसे नहीं हो रहा साबित कि ये मुलजिम था। तो ये पॉइंट्स थे, इसके बेस पे इन्होंने जो है सजा की है। सर ये भी आपसे समझना चाहेंगे, सजा पे बहस होगी, सजा के पे बहस होने का मतलब ये होता है कि सजा कितनी होनी है, क्योंकि डिफेंस वाले तो हम ये बोलेंगे कि सजा कम होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, हम इस पॉइंट पे आर्गुमेंट करेंगे, वो सजा बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए तो क्यों होनी है। तो उसके बाद जो भी सजा होगी दैट ऑर्डर और जजमेंट ऑफ कन्विक्शन इज अपीलेबल बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो उसकी हाई कोर्ट में अपील हो सकती है और होगी, क्योंकि उसमें जो है देखना यह है कि जो अपील होगी उसमें क्या ग्राउंड अपील में है, इसमें केस में या जजमेंट में क्या पॉइंट है डिफेंस के फेवर में है, वो चीजें उसमें
वो लिखी जाती है और अपील हाई कोर्ट में, उसके लिए उसके पास समाधान है, उसके पास ये जो है एक रिमेडी अवेलेबल है, अक्यूज्ड के पास जो हाई कोर्ट जा सकता है। संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, पैरवी आपने की है, क्या लगता है आपको? देखिए सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें इसमें आप तो बोलते हो कि दो पॉइंट है, मैं कहता हूँ इसमें 20 पॉइंट ऐसे हैं जो अक्यूज्ड के फेवर में है। शुरू से लेके मैं बोलना चाहूंगा आपको एक पॉइंट, जो जो ये इंसिडेंट्स बताते हैं, ये बताते हैं 4/7/2017 का, 4/7/2017 के बाद 13/4/2018 जब इसको अरेस्ट किया, तब तक कोई विटनेस वहाँ का ये नहीं बोलता कि ये आदमी यहाँ पाया गया है। सारी स्टेटमेंट जो है उसके बाद ये आई है कि हमने इसको देखा, हमने इसको देखा, तो ये सारा एविडेंस जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस और उसको चैन जो है बना रहे हैं, वो बिल्कुल वो क्रिटिक मतलब क्रिएट की गई है, ऐसा ऐसा लगता है। दूसरी बात, और रिपोर्ट्स जो है सारी जो भी ये बोलते हैं कि डेंटल है या डीएनए है, वो मैंने पहले भी बोला कि डीएनए रिपोर्ट कैसी है, कैसे सैंपल है, सारी बातें जो है डिटेल में इसमें बहुत सारी बहुत ग्राउंड इसमें ये है जो अपीलेबल है, जो अपील में लिखे जाएंगे सर। ठीक, ये पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।